होली पर घर ले आएं ये शुभ वस्तुएं, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार होली 25 मार्च को है। खास बात ये है कि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी होली के दिन ही पड़ रहा है। ऐसे में होली का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से और ख़ास हो गया है। होली के दिन या फिर उससे पहले इन चीज़ों की खरीदारी इस बार सिद्ध साबित होगी। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन या उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदने से जीवन में खुशहाली आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो आइए जानते हैं होली पर वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी खरीदारी आपको मालामाल बना सकती है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है घर के मुख्य द्वार पर लगाएं वंदन वार। होलिका दहन की रात्रि पर दहन स्थल से राख को घर लाएं और उसे घर के हर एक हिस्से में छिड़कें। फिर होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार बांध लें। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, ऐसा करने से घर में उनका प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर आम का या अशोक के पत्ते का वंदन वार लगाएं। दूसरी शुभ खरीदारी में खरीदें धातु का कछुआ। हिंदू धर्म में कछुए को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में होली के दिन धातु से बने कछुए को खरीद कर घर लाना चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र जरूर बना हो। कछुओं को घर में बने पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा निवास करती हैं। नंबर 3 पर है पिरामिड खरीदना शुभ। हिंदू धर्म में पिरामिड में धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता बताई गई है। जिस घर या ऑफिस में पिरामिड होता है वहां धन की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। इस पिरामिड को होली के दिन घर में जरूर लाना चाहिए, इससे लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नंबर 4, बांस का पौधा भी लाएं। वास्तुशास्त्र में बैम्बू ट्री या बांस के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। होली से पहले ही आप अपने घर पर बांस का पौधा जरूर लाएं। इसे आप गमले में लगाकर भी कमरे में रख सकते हैं। इससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो ये थी 4 ऐसी शुभ चीज़ें जिसे होली के दिन या उससे पहले घर में ज़रूर लाना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।